स्वागत है IVN24 न्यूज में आपका। मैं हूं आपके साथ आर्यन पटेल। आज हम बात कर रहे हैं उस क्षेत्र की जहां से माननीय सुरेंद्र पटवा जी मंत्री हैं और साथ में वे मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री भी कहे जाते हैं। आज तिरंगा यात्रा के बहाने उन्होंने रायसेन जिले में कंकाली माता मंदिर से एक शोभा यात्रा निकाली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि उस तिरंगा यात्रा में तिरंगा तो कम दिखाई दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के झंडे सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे थे। ऐसी ही कुछ तस्वीरें कैद की हमारे रिपोर्टर ने। जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं उनको देख करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तिरंगा यात्रा के बहाने माननीय सुरेंद्र पटवा जी ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। देखिए पूरी खबर। राष्ट्रीय भावना की यात्रा है और हमारी ये यात्रा पहले से तय थी 18 अगस्त की। जैसा कि आप जानते हैं हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच में नहीं रहे और उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष ने तय किया ये यात्रा आज निकाली जाए और आज इस यात्रा को लेकर हम यहाँ से माँ कंकाली माता जी से आशीर्वाद लेकर हमारे भोजपुर क्षेत्र में इस यात्रा का शुभारंभ होगा और समापन ओबेदुल्लागंज में होगा। आज बड़ा दुख का विषय भी है, हमारे राज संत हमारे बीच में नहीं रहे और हम सब ने अभी उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए। उनका देवलोक गमन हो चुका है, हम लोग सब उनके प्रति श्रद्धा से श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और ईश्वर से ऐसी आशा करते हैं कि वो फिर हमारे बीच में आए और उनके जो कड़वे वचन जो थे और जिस तरह से उनकी वाणी में सरस्वती विराजती थी, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि उनके बताए हुए सत्य मार्ग पर हम सभी चलेंगे। और आज यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी युवा मोर्चे के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, हम सब लोग मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पूरे राष्ट्र में भारतीयता का एक निरंतर भारतीयता का आगमन हमेशा होता रहे और भारतीय संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपरा, इन सब को सृजित करते हुए हम इसी तरह से राष्ट्र भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा है, ये अपनी एक भावना है और पार्टी और राष्ट्रीय ध्वज दोनों का ही हम सम्मान करते हैं। आज अगर हम कहीं हैं तो हम राष्ट्रीय ध्वज के कारण से हैं, भारतीय जनता पार्टी के ध्वज के कारण से, इसके लिए हम लोग ये यात्रा नहीं, ये आप सोच सकते हैं। हर साल हम लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं, न केवल हम बल्कि पूरी पार्टी पूरे भारत में इस यात्रा को निकालते हैं।